अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामिने हजरात, इंशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो आज की बहुत ही प्यारी सी वीडियो आप लोग के लिए ले आया हूँ कि नमाज में कितने फ़राइज हैं। जब हम लोग नमाज जो पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तोफ़ैर जो पाँच वक्त की नमाज हम सब पढ़ते हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं उसमें सात फ़राइज हैं। अगर आप नमाज के दौरान नहीं करते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो खुदा इस पर अमल करें और इसका ख्याल रखें। वीडियो को मुकम्मल समाप्त फरमाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकता है, और इसी तरह की कंटेंट हमारे चैनल पर दीन इस्लाम की बातें मिलती रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्या आप समाप्त फरमाएँ, स्टेप बाई स्टेप कोशिश करें, वीडियो को समाप्त फरमाएँ, गौर व फिक्र करें क्या चीज़ हमसे मिसिंग हो रहा है, क्या हम गलती कर रहे हैं नमाज में, इसे ख्याल रखें। तो नमाज में सात फ़राइज हैं। नमाज के अंदर की जाने वाली दाखिल फ़राइज, इन फ़राइज के अदा किए बगैर नमाज होगी ही नहीं। अगर ये सात फ़राइज अगर आप किसी को एक को भी मिस कर देते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह अकबर। तो खुदारा इस पर अमल करें। क्या क्या है आप समाप्त फरमाएं। पहला है तकबीर तहरीम। तकबीर जो बोला जाता है, जिसे फ़र्ज नमाज में इमाम आगे रहते हैं उसके बाद मौज़िन तकबीर जो बोलते हैं, अगर आप खड़े होते हैं तो अल्लाह अकबर कर मौज़िन जो बोलते हैं उसे तकबीर है। दूसरा क़याम, नमाज में सीधा खड़ा रहना, इधर उधर ना ताकना, सजदे की तरफ सीधे पैर को सीधे रख के दोनों पैर को क़याम खड़ा रहना। दूसरा, तीसरा है किरत, कुरान मजीद की आयत को पढ़ना और सुनना। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, तन्हा पढ़ रहे हैं तो आपको ही पढ़ना होगा। अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो आपको हाथ बांध के खड़े होकर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो आपको चुपचाप सुनना है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब पढ़ेंगे तो आखिरी में आपको आमीन आहिस्ता से बोलना है। तो यह तीसरा। चौथा है रुकू करना। चौथा। पांचवा है सजदा, इसे ख्याल रखें। छठा है कायदे आखिर, जैसे हम लोग अत्यात में बैठ जाते हैं तो उसको कायदा कहते हैं, और उसमें सलाम फेर के हम लोग नमाज को ख़त्म करते हैं, यह है छठा। सातवा है रुखुज बी सुनाई, अपने इरादे से नमाज से बाहर आना, नमाज पूरी करना। नमाज पूरी करने के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना, पहले दाहिने तरफ फिर बाएं तरफ, इस तरह करके आप सलाम कहना सुन्नत है। तो ये सात अमल आपको करना है नमाज में, इसके बगैर आपकी एक भी मिस हो जाए तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो ये थे नमाज के सात फ़राइज। तो इस पे अल्लाह ख्याल रखे नमाज, क्योंकि तमाम इबादतों पे नमाज अहम इबादत है, क्योंकि ये कब्र की रौनक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज, माशाल्लाह। तो खुद भी इस पे अमल करें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि दीन की बात आपके ज़रिए लोगों तक पहुँच सके। हमेशा बावजूद रहे, नमाज की पाबंद रहे, जहाँ कहीं भी रहे आप टाइम टू टाइम नमाज पर अदा करें, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करें, औलिया इकराम से मोहब्बत करें, अपने घर में अपने अम्मी अब्बू वालिदैन से सच्चे पक्की मोहब्बत करें, अच्छे अखलाक से पेश आए लोगों से, सदका खैरात करें, गरीब मिस्किन का हक अदा करें, किसी का हक ना मारे, हमेशा बावजूद रहे और पाक साफ रहे, तन्हाई अपना पाक रखे। तो इस प्यारी से वीडियो पे अमल करें। अल्लाह हम सबको सुनने से नेक बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकअल्लाहु खैर। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।